हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, सम्मोहन तज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, NLP ट्रेनर और कोच हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आज एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, निराशा और सम्मोहन उपचार, इसके बारे में। आज करीब करीब एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मतलब चिंता रोग और निराशा, ये बीमारी के काफ़ी लोग परेशान हैं बीमारी से। और इसके लिए दवाइयां तो है ही, मगर उसके साथ साथ मानसोपचार और सम्मोहन उपचार बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सम्मोहन उपचार जो है, मैं अभी आपको बताऊंगा। आपने वो प्रैक्टिस करो, जिसको ये प्रॉब्लम है उसको ये शेयर करो। तो भाई, हम सम्मोहन का डायरेक्टली इलाज कैसा करते हैं, मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। तो मैं बार 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 आपको ऐसा बोलूँगा कि रिलैक्स। तो रिलैक्स इसका मतलब शिथिल करना, शरीर पूरा ढीला कर देना। मैं बार 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 बोलूँगा डीप। डीप मतलब गहरा। डीप इसका मतलब आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में अंदर अंदर जा रहे हैं और अंधेरा अंधेरा आंखों के सामने आ रहा है, ऐसी कल्पना करना है। और स्लीप जब मैं बोलूँगा, तब आप गद्दी पर लेटे हैं, सो रहे हैं गद्दी पर लेटे लेटे आड़े, ऐसी कल्पना करना है, सोने का नहीं। तो मैं बोलूँगा रिलैक्स, स्लीप और डीप। तो ऐसा बोलते 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 सम्मोहन की प्रक्रिया है। अभी आप आराम कुर्सी में बैठे हो, है ना, और ये सम्मोहन की प्रक्रिया धीरे धीरे हम करेंगे, आप सम्मोहन अवस्था में जाएंगे। फिर और उसको डीप करना है, गहराई में लेके जाना है। तो मैं 1 से 10 तक गिनती करूँगा, और जैसी जैसी गिनती बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी आपकी होते जाएंगी, और आप डीप डीप सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। और फिर मैं आपको सूचना दूंगा। तो जो सूचना देने की है, तो मैं आपको सुनाऊंगा ही जो सूचना है। वो होता क्या है कि सम्मोहन अवस्था में कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड ऊपर सामने आता है जैसा, और उसको हम सूचनाएं देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव रहता है, कोई भी कुछ भी बात उसको बोले तो वो उसका स्वीकार कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड, उसके पास में लॉजिक नहीं है, उसके पास में अच्छा बुरा नहीं है, सही गलत नहीं है, उसको जो भी बोला उसको सही लगता है, उसका स्वीकार कर लेता है। तो मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात करूंगा, और बाद में फिर मैं आपको उसके साथ साथ विजुअलाइज करने लगाऊंगा। तो आपने विजुअलाइज करना है, मतलब उस समय देखना है अपने आप को सुनना है। आप जो बातचीत लोगों से कर रहे हो वो सुनना है, लोग आपसे जो बातचीत करते हैं वो सुनने का है, और अपने आप को फील करने का है। जैसा मैं बोलूंगा, आपको खुशी लग रही हैप्पीनेस है, एंथुजियाज्म है, रिलैक्स्ड है, तो अपने आप को वो काम है, क्वाइट है, वो आपको फील करने का है। तो आपको देखना है, सुनना है और फील करने का है, ठीक है ना। तो ऐसा हम करेंगे, तैयार है। तो आपको लेटना है एकदम रिलैक्स, आंखें बंद करना है, और पंजे है ना, पैर के पंजे ऐसे करो, और हाथ जो है वैसे रख के पैर के ऊपर हाथ रख दो, और मेरी आवाज़ सुनो, बाकी कोई भी आवाज़ सुनने की नहीं, दूसरी कोई भी आवाज़ की तरफ ध्यान देने का नहीं, पूरा बदन रिलैक्स 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 करना है। पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए, पैरों के पंजे, तलवे और अंगूठे रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो,
जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा चेहरा रिलैक्स करो, चेहरा रिलैक्स हो गया, आंखें रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, बदन रिलैक्स, सिर रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। आप गहरी गहरी संपूर्ण अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो। आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप डीप डीप सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो। मैं अभी 1 से 10 तक गिनती करूंगा। जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी, वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, गो डीपर एंड डीपर, पांच, छः, सात, स्टिल डीपर एंड डीपर, नौ, दस, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। मैं अभी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूँ, वह सूचना अच्छी तरह सुनना है। अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही रिसेप्टिव हो चुका है। सबकॉन्शियस माइंड मेरे सूचनाओं का पूरा स्वीकार करेगा। मैं भी आपको कुछ सूचनाएं दे रहा हूँ, वो सूचना का आपने स्वीकार करना है। आपको बहुत ही शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको बहुत ही शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको बहुत ही शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको यह पता है कि जीवन जीने के समय काफी सारी समस्याएं आ सकती है। जीवन जीने के समय काफी सारी समस्याएं आ सकती है। आप शक्तिशाली रूप से हर समस्या का सामना कर रहे हो। आपको यह पता है कि जीवन जीने के समय काफी सारी समस्याएं आ सकती है और वह समस्या का सामना आप पूरे शक्तिशाली रूप से कर रहे हो। आपको यह पता है कि जीवन जीने के समय काफी सारी समस्याएं आ सकती है, आप वह समस्या का सामना शक्तिशाली रूप से कर रहे हो। रोज रात को आपको गहरी गहरी नींद आती जाएगी
और सुबह उठने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लग रहा है, एंथुजियास्टिक लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। रोज रात को आपको गहरी गहरी नींद आ रही है और सुबह उठने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक और बहुत खुशियाँ, ऐसा माहौल आपको दिख रहा है और लग रहा है। आप एकदम रिलैक्स्ड हो, मन बहुत ही खुशी में है, बहुत ही खुश है, बहुत शांत मन है और बहुत ही एनर्जी वाला मन है। आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुश, बहुत ही समाधान, बहुत ही रिलैक्स्ड ऐसा आपको लग रहा है। रोज रात को आपको गहरी गहरी नींद आते जाएंगी और सुबह उठने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, एंथुजियास्टिक लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा। मन में आपको खुशी आ रही है, काफ़ी सारे दोस्तों से आप मिल रहे हो, काम कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, बहुत ही फैंटास्टिक। अभी आप लोगों के साथ में हैं तो कल्पना करो कि आप कुछ लोगों के सामने खड़े हो, बहुत ही खुश आप हो, उनके साथ में बातचीत कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि वो कौन से कपड़े पहने उन्होंने, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, वो कहाँ खड़े हैं, वो पूरा देखो, क्लियर पिक्चर देखो कि कौन सी जगह पे आप खड़े हैं, वो लोग आपसे क्या बातचीत कर रहे हैं वो सुनो, आप क्या बातचीत कर रहे हैं उनसे वो सुनो, और आपको कैसा फील हो रहा है, बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही जॉय, हैप्पीनेस, रिलैक्स्ड, बहुत मज़ा आ रहा है, इतना आनंद, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही खुश, ऐसा भी आपको लग रहा है, जबरदस्त, वाओ, वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको काम करने में बहुत ही मजा आ रहा है, सब काम आप बहुत ही ताकत से कर रहे हो, उत्साह से कर रहे हो, खाना खाने में, घूमने फिरने में, बच्चों से बातचीत करने में बहुत मजा आ रहा है, पढ़ाई करने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुश नजर आ रहे हो आप, बहुत ही खुशी लग रही है, तो लोगों के साथ में भी आप बहुत ही खुश हो, मजा आ रहा है, वंडरफुल, आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका है, आत्मविश्वास के साथ में आप किसी से बात करते हो, बहुत ही मजा आ रहा है, एकदम पीस ऑफ माइंड है, मन की शांति है, सब चिंताएं हट गई, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी समस्या आ गई तो उसका सामना मैं कर सकता हूं, वो उसको उसका हल में निकाल सकता हूं, ये आपको पता है, कोई चिंता नहीं है, जो भविष्य आने वाला है वो हमको पता नहीं है, जो जीवन बीत गया है उसके बारे में हमको मालूम नहीं कि अभी उसका क्या करेंगे, तो वो भी भूल जाने का है, अभी हमको प्रेजेंट में रहने का है, और प्रेजेंट में रह के अभी वर्तमान में रहना है, और वर्तमान में रह के बहुत ही खुशियां लोगों के साथ में सेलिब्रेट करना है, हंसी मजाक करना है, आप बहुत ही मजा कर रहे हो, बहुत खुश नजर आ रहे हो, आनंदी हो, समाधानी हो, बहुत ही रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड, बहुत ही रिलैक्स्ड हो आप, बहुत ही खुश हो, खुशी को महसूस करो, फील करो हैप्पीनेस को, बहुत ही मजा आ रहा है। आप सुबह उठते हो तो बहुत ही खुश रहते हो, काम पे जाते हो, खाना पीना करते हो, बच्चों से खेलते हो, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड। अभी मैं आपको एक कल्पना करने के लिए बोल रहा हूं कि आप एक बलून में बैठे हो, बहुत ही कंफर्टेबली आप बलून में बैठे हो, मजा आ रहा है, बलून को एक खिड़की है और बलून के बाहर एक और उमेश खड़ा है जो दूसरी उसकी प्रतिकृति है, वो आपको जैसा चाहिए वैसा है,
बहुत ही खुश, उत्साहित, रिलैक्स्ड, इंटीग्रिटी में ऐसा उमेश बाहर खड़ा है। उसको आप देख रहे हो जैसा आइडियल, आपको जो आइडियल चाहिए वो आइडियल उमेश बाहर है, और वो भी खिड़की से गुब्बारे के अंदर, बलून के अंदर आ रहा है। उसने कोशिश किया, खिड़की से अंदर अंदर उतर गया और वो आपके बदन में वो एक रूप हो गया, पूरा एक रूप हो गया। अभी आप वो नया उमेश बन गए हो, एक नया उमेश है। ये बहुत खुश है, बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत हैप्पी है, संतुष्टि है, मजा आ रहा है लाइफ में, एंजॉय कर रहा है लाइफ को, ऐसा उमेश, नया उमेश बन चुका है। और आपको पता ही है कि आपको सबसे ज्यादा खुशी जो होती है वो लोगों को मदद करनी होती है। लोगों के जीवन में जब आप कुछ मदद करते हो तो होती है, तो आप ऐसे इंसान हो कि लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ उनको चाहत जो उनकी है उसमें मदद कर रहे हो, उनको मिला के दे रहे हो, उसमें भी आपको बहुत मजा आ रहा है। जबरदस्त, वंडरफुल। बहुत जबरदस्त, वो एक रूप हो गया, अभी नया ट्रांसफॉर्म्ड उमेश तैयार हुआ है। अभी मैं 1 से 3 तक गिनती करता हूं, जैसे जैसी गिनती बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपकी जो अवस्था है, एंथुजियाज्म, एनर्जी, उत्साह जो है वो और बढ़ता जाएगा और एक नया उमेश उभर के आएगा, ट्रांसफॉर्म, नया। 1, 2 और 3, पूरा नया उमेश बन चुका है। बहुत ही जबरदस्त। अब ऐसी प्रैक्टिस आप रोज करते हो तो बहुत फायदा उसका होगा, जबरदस्त फायदा होगा, बहुत ही रिलैक्स। अभी मैं 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूंगा, जैसे जैसे गिनती कम कम होती जाएंगी वैसे वैसे आपकी संभावनावस्था खुल जाएगी और आपको जाग आ जाएगी। जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। 3, आंखें धीरे धीरे खोलो। 2 और 1, उठो जाग जाओ, आंखें खोलो। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेश लगेगा अभी आपको, बहुत अच्छा लगेगा, खुशी लगेगी मन के अंदर, मजा आएंगे एकदम, सेलिब्रेट करो। और ये इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो 4 बार रोज करनी है, सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को। ऐसा 1000 बार करेंगे ना टोटल, तो आपको डेफिनेटली बिना दवाई का फायदा होगा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में। तो आपको भी चॉइस करना है कि चिंता युक्त जीवन जीना है कि चिंता मुक्त जीवन जीने का है, आपको रिलैक्स्ड जीवन जीने का है कि टेंशन में जीवन जीने का है। तो आप यदि करेंगे रोज एक्सरसाइज तो डेफिनेटली आपका जीवन बहुत मजे वाला होगा। आपके संपर्क में काफ़ी ऐसे दोस्त लोग होंगे या परिचित होंगे कि जिनको चिंता रोग है, एंग्जाइटी की बीमारी है या डिप्रेशन है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा सपना है कि पूरा भारत देश ये मानसिक बीमारियों से क्लियर हो जाएगा, तो एंग्जाइटी डिप्रेशन नाम की चीज़ ही रहेंगे नहीं। रोज यदि लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये रहेगा नहीं। तो आप जरूर लोगों को शेयर करो मेरा यूट्यूब वीडियो, बाकी भी काफ़ी वीडियोज मैंने हिप्नोसिस के बारे में डाले हुए, वो है फोबिया के, सोशल एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स उसके है, फिर मोटापा कम करने के वीडियोज है, मानसिक बीमारियों के काफ़ी सारे वीडियोज है। वो वीडियो लोगों को सुनो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि एक अच्छा भारत बनाने में मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ में आप भी खड़े रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।